नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वायरल न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। नजर डालते देश की खबरों पर। तो खबर देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा भारतीय मुद्रा में लक्ष्मी जी की गणेश जी का फोटो लगाने की मांग जुड़ी हुई है। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बुधवार को भारतीय करेंसी के नोटों पर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की फोटो लगाने की मांग के बाद अब बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी की फोटो लगाने की मांग उठ गयी है। अब नोटों पर दूसरी पार्टियों ने भी राजनीति तेज कर दी है। वायरल न्यूज बताते हैं आपको, भाजपा नेता नीतीश राणे भी अब नोट पर फोटो लगाने की राजनीति में उतर गए हैं। नीतीश राणे ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो साझा की है। इस फोटो में एक 200 रुपए का नोट दिखाया गया है जिसमें छत्रपति शिवाजी की फोटो लगी हुई है। नीतीश ने एडिट किया हुआ नोट शेयर कर लिखा कि शिवाजी की फोटो नोट पर एकदम परफेक्ट है। नोट पर फोटो की राजनीति में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। आप नेता अरविंद सिंह केजरीवाल के बाद अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी भारतीय करेंसी पर बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो लगाने की मांग कर डाली है। मनीष तिवारी ने कहा है कि नोट की नई सीरीज में महात्मा गांधी के साथ अम्बेडकर की फोटो होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इन दोनों नेताओं की तस्वीर अहिंसा और लोकतंत्र का यूनिक प्रतीक होगी। हम बता दें कि केजरीवाल ने कल भारतीय करेंसी पर गणेश और मां लक्ष्मी की फोटो लगाने का सुझाव दिया था। केजरीवाल के भगवान के चित्र लगाने की मांग के बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बीते दिन उन पर जमकर निशाना साधा था। अब खबर देश की राजधानी दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बृहस्पतिवार को दिल्ली नगर निगम की गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा करने पहुंचे हैं। वहीं उनके आने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी व आपके कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा शुरू हो गया। इस बीच सूचना पर पहुंची दिल्ली पुलिस हालात को काबू करने में जुट गई। अब खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। तो बता दें, भाजपा कार्यकर्ताओं के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर होने की जानकारी मिलने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। जहां गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता अरविंद सिंह केजरीवाल वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं। वहीं अब आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर डाली है। फिलहाल में गाजीपुर में भाजपा और आप कार्यकर्ता आमने सामने हैं। बता दें कि हालात के मद्देनजर यहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। NH-9 की सर्विस रोड पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। इसमें NH-9 और उसकी सर्विस रोड पर जाम लगा है। बता दें कि गुरुवार को गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचने की जानकारी खुद CM अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को ट्वीट कर दी थी। उन्होंने ट्वीट पर कहा था कि भाजपा के एक नेता से मैंने पूछा कि 15 साल में नगर निगम में क्या काम किया, तो शर्माते हुए उसने दो काम बताए। पहला, 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बनाए हैं और दूसरा, पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। अरविंद सिंह केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि गुरुवार सुबह इनका गाजीपुर वाला कूड़े का पहाड़ देखने जाऊंगा और आप भी आइएगा। खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार की रात 4 लड़कों ने पुलिसकर्मी की पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो चुका है। आरोपी लड़कों ने पहले दीवान से अभद्रता की, फिर दीवान को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। फिलहाल दीवान की तहरीर पर आरोपी युवकों की तलाश पुलिस कर रही है। खबर उत्तर प्रदेश से है। तो बता दें कि बीती रात एक बाइक पर 4 लड़के शोर मचाते जा रहे थे। दीवान श्रीकांत गश्त कर रहे थे। दीवान ने उन्हें हाथ देकर रोका तो युवक अभद्रता करने लगे, फिर दीवान को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस बीच सड़क के दूसरी तरफ खड़ा युवक दौड़कर आया और बीच बचाव किया। कुछ देर बाद वो 4 लड़के वहां से चले गए। इसके बाद दीवान ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दीवान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। काकोरी आनिध्य विक्रम सिंह ने बताया कि दीवान श्रीकांत की इस तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर मारपीट, सरकारी काम में बाधा डालना समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया लिया गया है। प्रभारी निरीक्षक पारा दधिवल तिवारी ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद युवकों की तलाश के लिए टीम लगा दी गई थी। उनमें से एक युवक सलेमपुर पतौरा निवासी अनिल के रूप में पहचाना गया है। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। इसके साथ अन्य की तलाश की जा रही है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी ले लिया है। खबर भारतीय सेना के शौर्य से जुड़ी हुई है। तो बता दें, इंफैक्ट्री डे आजाद भारत के पहले सैन्य संघर्ष का भी स्मरण दिवस है। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने देश की सरजमी पर कश्मीर में पहले हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस जंग में सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन के जवानों ने जीत हासिल की।
बता दें आज है इन्फेक्ट डे, तो भारतीय सेना आज अपना 76वां इन्फेक्ट डे पैदल सेना दिवस मना रही है। 1947 में कश्मीर को पाकिस्तानी सेना और कबाइलों से मुक्त कराने की याद में यह दिवस मनाया जाता है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इस मौके पर दिल्ली स्थित युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को नमन किया। वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुँचे और वहाँ शौर्य दिवस समारोह में भाग लिया। इन्फेक्ट डे आजाद भारत के पहले सैन्य संघर्ष का भी स्मरण दिवस है। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने देश की सरजमी पर कश्मीर में पहले हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया था। इन्फेक्ट डे को स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना की याद के रूप में मनाया जाता है। इस जंग में सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन के जवानों ने जीत हासिल की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 76वें इन्फेक्ट्री डे दिवस पर साहसी पैदल सेना कर्मियों और उनके परिवारों को बधाइयां और शुभकामनाएं दी है। आज से 75 साल पहले इसी दिन थल सेना की सिख रेजिमेंट ने वायुसेना के विशेष डाकोटा विमान से श्रीनगर में लैंड किया था। खबर अमेरिका से है तो बता दें, ईरान में हिजाब के खिलाफ अभी भी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच ईरान द्वारा प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने से नाराज अमेरिका ने तल्ख रुख अपना लिया है। खबर अमेरिका से है तो बता दें, अमेरिका ने बुधवार को ईरानी अधिकारियों पर कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने ईरान के एक दर्जन से अधिक अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तेहरान की एवियन जेल की देखरेख करने वाले अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। हम बता दें कि इंटरनेट सेंसरशिप को लेकर भी ईरान के अधिकारियों को प्रतिबंधित सूची में डाला गया है। अमरीकी ट्रेजरी विभाग ने एक अलग बयान में ये कहा कि उसने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है। इसमें इसके खुफिया संगठन के कमांडर, साथ ही प्रांतीय और ईरानी जेल अधिकारियों और इंटरनेट सेंसरशिप से जुड़े लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के बाद ईरानी कार्रवाई ने हाल ही में तूल पकड़ा है। इसके चलते अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाया है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजी खबरें। नमस्कार।